हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक अमीन। इस वीडियो में मैं शाहरा और शेवी के न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार झारखंड के राजधानी रांची से शेवी के कार्यालय निवेशकों से परेशान होकर बंद करना पड़ा, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। इसके पूरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्या न्यूज़ में आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेवी ने रांची के ऑफिस किया बंद, निराश होकर लौट रहे निवेशक और शिकायतकर्ता, इसकी पूरी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। पूंजी बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमयक बोर्ड यानी कि सेबी ने अपना रांची ऑफिस बंद कर दिया गया है। उसका ऑफिस वहाँ समाहरणालय के ब्लॉक ए के छठे तले पर था। अचानक ऑफिस बंद होने के कारण शिकायत और जानकारी के आस में वहां पहुंचने वाले लोगों को निराश हो लौटना पड़ रहा है। बताया जाता है कि सेबी ने कुछ महीने पहले ऐसे कुल 16 स्थानीय कार्यालयों जो सुनसान पड़ा सेबी का ऑफिस जैसे 16 स्थानीय कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। यह इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि लोगों का आभास भी नहीं हो पाया कि कब बंद हो रहा है। 2014 में खुला था ऑफिस, रांची में सेबी ऑफिस मार्च 2014 में खुला था। उद्घाटन में तत्कालीन चेयरमैन यूके सिन्हा भी आए थे। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता का प्रसारण करना और क्षेत्र के निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना था। अब इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में कर सकते हैं शिकायत, मतलब सेबी के जो कार्यालय बंद होने के बाद अब इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में कर सकते हैं शिकायत। रांची में सेबी ने बीएससी और एनएससी के साथ मिलकर अरगोड़ा चौक पर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर स्थापित किया है। वहाँ निवेशक सूचीबद्ध स्थापित कर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि सहारा के निवेशक उस ऑफिस में जाकर बहुत परेशान करते थे और वो लोग शिकायत नहीं लेता था तो उसको तोड़फोड़ करने का भी चेतावनी देते थे। तो मेन है वो सहारा के निवेशकों के द्वारा ही परेशान होकर वो सेबी के ऑफिस बंद उसे करना पड़ा। और एक बात मैं और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को अनाउंस किया था कि 45 दिन के अंदर भुगतान हम लोग कर देंगे, जो भी 10,000 एक कर देंगे, लेकिन अभी आपका 1 महीना 10 दिन हो गया है, यानी कि आपको 40-41 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, मात्र 4 दिन ही बाकी है और अभी तक किसी का अप्रूव्ड भी अच्छी तरह नहीं हुआ है। अभी तक पोर्टल वो लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो पता नहीं 45 दिन में पूरा होने के बाद यदि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम देखते हैं। यदि जल्दी ही कुछ न्यूज़ मिलती है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।